अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रेंड लाइन। बर्तानिया के फ्यूचर लॉजिस्ट साबिक रॉकेट साइंसदान और आईटी इंजीनियर के मुताबिक इस वक्त दो किस्म के इंसान ज़मीन पर रह रहे हैं, वो लोग जो अपने से पहले इंसानों की तरह मर जाएंगे और वो जो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप कौन से ग्रुप में हैं? फ्यूचर लॉजिस्ट अयान पैटसन ने रोजनामा दी सन को बताया कि हमेशगी हासिल करने के लिए आखिरी साल 2050 है। अगर आप 2050 तक जिंदा रहे तो साइंस मौत पर काबू पा चुका होगा और आप हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। बर्तानिया के फ्यूचर लॉजिस्ट साबिक रॉकेट साइंसदान और आईआईटी इंजीनियर के मुताबिक बायोमेडिकल और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में हालिया पेशरफ आखिरकार हमें तीन तरह से हमेशगी फराहम करेंगी। नंबर वन, रीजनरेटिंग थेरेपिस्ट पैटसन ने सूरज को बताया कि डॉक्टर्स जिस्म की तजदीद करने और इसको दोबारा फाल बनाने के लिए दवा और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर दो, रिप्लेसिंग बॉडी ऑर्गन दूसरे जरिए इंसानी जिस्म के अहम अज़ा को मुतबादल मस्नूई अज़ा के साथ तब्दील करना, बहुत से महक़कीन जिंदा खुलियात से भरी हुई 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानी अज़ा बनाने पर काम कर रहे हैं, लिहाजा हमें मजीद इंसानी अज़ा के एहतियात की जरूरत नहीं होगी। नंबर तीन, खुद को एंड्रॉयड अज्सा में उतारना। पैटसन के मुताबिक ताहियाती के लिए सबसे ज्यादा काबिल भरोसा रास्ता जदीद तरीन कंप्यूटर इंटरफेस बेसिक्स बनाना है, जिसमें पूरे दिमाग को एक ऑपरेटिंग सिस्टम से मुंसलिक किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें हकीकी दुनिया में रहने के लिए अपनी अपनी पसंद के एंड्रॉयड जिस्म में उतरना होगा। उन्होंने दी सन को बताया कि 50 साल के अरसे में हम इस काबिल हो जाएंगे कि किराए की गाड़ी की तरह दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह एंड्रॉयड जिस्म हायर करके इसमें अपनी शऊर अपलोड कर सकेंगे। ऐसा कब मुमकिन होगा? उन्होंने मजीद कहा कि अमीर अफराद के लिए टाइमलाइन 2050 है, जो लाखों डॉलर अदा करके अपने दिमाग को रिबोट में अपलोड करेंगे। आम तनख्वाहदार लोगों के लिए ये 2060 की इर्द गिर्द सस्ती बन जाएगी और 2070 तक गरीब मुल्कों में कम आमदनी वाले लोग भी इसे बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। आज के लिए व्यूवर्स इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।